कई फैशन और ब्यूटी ट्रेंड्स आए और गए, कुछ ग्रेट थे और कुछ बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इतिहास के कुछ सबसे खतरनाक ट्रेंड्स, मेरा मतलब है एकदम डेडली। हम सभी ने रिब क्रशिंग कॉर्सेट के बारे में तो सुना ही है, जिसे कई लोग कमर पतली करने के लिए यूज करते थे। Elizabeth, how's it coming? It's difficult to say. I'm told it's the latest fashion in London. Well, women in London must have learned not to breathe. लेकिन ऐसे और भी कई ट्रेंड्स थे जिन्होंने जोखिम भरे होने के बावजूद दुनिया में तहलका मचा दिया था। 1898 में मैरी और पियर क्यूरी ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज की और दुनिया को एक नया साइंटिफिक वंडर मिला। 1900 की शुरुआत में इस सब्सटेंस के हार्मफुल इफेक्ट्स को समझे बिना फेमस रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट्स को लोगों के लुक्स बदलने के इरादे से कमर्शियली बेचा गया। इन प्रोडक्ट्स की सेल्स बहुत जोरदार थी। थो रेडिया और रेडियोर जैसे कॉस्मेटिक ब्रांड्स ग्लोइंग स्किन और शानदार लुक्स का दावा करने लगे। रेडियम इन प्रोडक्ट्स में पॉपुलर इंग्रेडिएंट था। इन प्रोडक्ट्स में एक था दांतों को चमकाने वाला टूथपेस्ट और कई ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स जो बालों को अंधेरे में चमकाने का दावा करते थे। सालों बाद जब इन सब्सटेंसेस के हार्मफुल और कैंसरस इफेक्ट साबित हुए, तब जाके इन लीथल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद किया गया। फुट बाइंडिंग चाइना में सदियों से चली आ रही एक सौंदर्य प्रथा थी। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रथा की शुरुआत 10वीं सेंचुरी में याओ नियांग नाम की एक डांसर से हुई थी। उसने अपने पैरों को चांद के आकार में बांधा और अपने नृत्य से सम्राट ली यू को मोहित कर दिया। जल्द ही वहां की महिलाओं के बीच ये परंपरा बहुत प्रसिद्ध हो गई और चाइनीज कल्चर में खूबसूरत पैर और नाजुक चाल सुंदरता और गर्व का प्रतीक बन गए। 4 से 9 वर्ष की उम्र की लड़कियां अपने पैरों को पत्तियों से लपेटती थी और उन्हें ऐसे मोड़ती थी कि वो बड़े होकर लोटस शूज में फिट हो जाए। इसका रिजल्ट होता था लोटस फीट, यानी टूटे हड्डियों वाले विकृत पैर, जिनमें आता था इन्फेक्शन का रिस्क और जिंदगी भर का दर्द। और ये सब बस ब्यूटी के सोशल नॉर्म्स को पूरा करने के लिए, जो शादी के वक्त लड़कियों को जज करने में भी यूज किए जाते थे। इस प्रथा को फाइनली 1912 में बैन किया गया। एक ट्रेंड जो इटली में वेनेशियन कोर्ट की महिलाओं के साथ शुरू हुआ और बाद में यूरोप के बाकी हिस्सों में भी फैल गया, वो था बड़ी और सुंदर आंखों का। 16वीं से 19वीं सदी तक यूरोपियन महिलाओं ने अपनी आंखों को आकर्षक दिखाने के लिए एक लीथल टेक्निक को अपनाया। उन्होंने बेलाडोना से बनी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया, जिससे आंखों की पुतलियां फैल जाती थी। इटालियन वर्ड बेलाडोना का ट्रांसलेशन होता है ब्यूटीफुल लेडी, लेकिन इसे डेडली नाइट शेड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलाडोना की पॉइजनिंग से रैपिड हार्टबीट, डिस्टॉर्टेड विजन, डिलेरियम, वॉमिटिंग, हेलुसिनेशंस और रेस्पिरेटरी फेलियर से मौत भी हो सकती थी। 19वीं सदी में क्रिनोलिन से बना इस तरह का कपड़ा एक फैशन स्टेटमेंट था, लेकिन इसमें आग लगने का खतरा भी था। क्रिनोलिन हाईली फ्लेमेबल कपड़े से बना एक तरह का पेटीकोट था, जिसे कमर के चारों ओर पहनते थे। ये गारमेंट इतना पॉपुलर था कि उस समय की मैगजीन्स में इसे क्रिनोलिन मेनिया कहा गया। उन्हें ऐसे समय में पहना जाता था जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो कॉमनली लाइट के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता था। यदि एक महिला इस लाइट सोर्स के कांटेक्ट में आती थी, तो वो कुछ ही समय में आग के लपटों में घिर जाती और जिंदा जल जाती, क्योंकि इस आसानी से जलने वाली ड्रेस को उतारने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता था। By some estimates, उस समय लगभग 3000 महिलाओं ने इस वजह से अपनी जान गंवाई। इस ड्रेस में गाड़ी के पहियों में फंसने और ट्रेन में चढ़ने का जोखिम भी होता था। मर्दों ने भी कुछ खतरनाक फैशन ट्रेंड्स फॉलो किए हैं। 19वीं सदी में स्टिफ कॉलर कॉमनली यूज होता था। ये एक डिटैचेबल कॉलर था जो बनाया गया था ताकि आदमियों को हर दिन अपनी शर्ट ना बदलनी पड़े। इन कॉलर्स को इतना स्टिफ और इतना टाइट पहना जाता था कि वो डेंजरस हो गए और उन्हें निकनेम मिला फादर किलर। अगर एक आदमी इसे पहनकर सो जाता तो कॉलर इतना टाइट हो जाता कि इससे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई होने में दिक्कत होती थी और विंड पाइप दबने की वजह से दम घुटने लगता था। इसकी वजह से डेथ के चांसेस काफी हाई होते थे। अगर ग्रीन आपका फेवरेट कलर है, तो इतिहास में एक वक्त ऐसा था जब एक्चुअली ये आपके लिए घातक हो सकता था। उन दिनों रंगीन कपड़े मुश्किल से बनते और मिलते थे। 1775 में कार्ल शील नाम के एक व्यक्ति ने एक वाइब्रेंट ग्रीन कलर की डाई डेवलप की, जिसे शील ग्रीन कहते थे। ये कलर काफी पॉपुलर हो गया क्योंकि उन दिनों मिलने वाले कलर से काफी बेहतर था, जबकि इसके बावजूद कि ये आर्सेनिक से बनाया जाता था। उस वक्त एक और पॉपुलर ग्रीन डाई थी, पेरिस ग्रीन, वो भी आर्सेनिक बेस्ड थी। अब आर्सेनिक कई तरह से एक डेडली टॉक्सिक सब्सटेंस है, खासकर तब जब ये हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है। ये आर्सेनिक से भरा हुआ ग्रीन डाई हर तरह के कपड़ों पर इस्तेमाल किया गया
और इसकी वजह से उन लोगों को केमिकल बर्न्स और ओपन सोर्स हुए जो इन कपड़ों को पहनते थे। इन घावों की मदद से आर्सेनिक बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता और उससे लीथल आर्सेनिक पॉइजनिंग होती। कई फैशन ट्रेंड्स आए और गए, लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा डेडली लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, नटशेल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच डेडली कॉन्टेंट।